हाय, वेलकम टू लिलीज किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं पोटैटो कटलेट्स, जिसको आलू की टिकिया भी कहते हैं। उसके लिए ज़रूरत होगी 2 बॉइल्ड आलू, हल्दी 1/2 टीस्पून हल्दी, नमक टेस्ट के हिसाब से, 1 टीस्पून हरी मिर्ची, 1 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर, हल्दी 1 टीस्पून हल्दी, 1 अंडा और धनिया पत्ता और पुदीना और ब्रेड क्रम्स फ्राई करने में हमें यूज़ होगा और ऑयल फॉर फ्राइंग। हमने जो आलू बॉईल किए थे उसको मैंने मैश कर लिया है। इस आलू के अंदर हम सारे मसाले मिक्स करके उसकी टिक्किया बना लेंगे। पहले हम अच्छे से इसको मैश कर लें। हो चुका है मैश। मैश हो चुका है। अब इसके अंदर हम सारे मसाले मिक्स करेंगे। सबसे पहले हम इसमें हल्दी डालेंगे, सॉल्ट टेस्ट के हिसाब से, हरी मिर्ची, धनिया जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर भी हम डालेंगे इसमें, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और धनिया पत्ता। इसको हमने धनिया पत्ते को बारीक बारीक काट लिया है। अब इसको हम अच्छी तरह मिला लेंगे। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो आप लाल मिर्ची भी इसमें डाल सकते हैं। मैंने लाल मिर्ची का इस्तेमाल नहीं किया है, हरी मिर्ची डाला है मैंने। अगर आपको बहुत ज़्यादा तीखा बनाना है तो आप ज़्यादा हरी मिर्ची का पेस्ट डाल सकते हैं और लाल मिर्ची भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अभी अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। अगर आप इसको थोड़ा सा चटपटा भी बनाना चाहते हैं तो इसमें आप थोड़ा सा नींबू भी डाल सकते हैं, तो थोड़ी सी अच्छी सी खट्टी सी और अच्छे सा टेस्ट आएगा। मैंने इसमें नींबू ऐड नहीं किया है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं। ज़्यादा स्पाइसी बनाना चाहें तो स्पाइस भी ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब हम इसको हाथ से अपनी टिकिया बना लेंगे। तो प्लीज़ पहले अपना हैंड वॉश कर लीजिएगा अच्छी तरह, हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फिर हम इसकी टिकिया बनाए। टिकिया बनाने से पहले हम थोड़ा सा ऑयल अपने पाम में लगा लेंगे इस तरह, और अच्छे से हम गोल गोल शेप दे देंगे इसको, राउंड राउंड शेप बना देंगे। जैसी भी शेप आप बनाना चाहे, बच्चों को लॉन्ग ओवल शेप भी बहुत अच्छी लगती है, आप इस तरह भी बना सकते हैं, राउंड भी बना सकते हैं, जैसी शेप आप बनाना चाहें। फिर इसको मैंने यहाँ एक एग भी रखा है, अंडे के अंदर हम थोड़ी सी काली मिरी मिक्स करेंगे और उसको अच्छी तरह फेंट के फिर उसमें हम ये टिकिया को डिप करेंगे। उसके बाद ब्रेड क्रम्स में डिप करके उसको हम फ्राई कर लेंगे। अब हमारी ये कटलेट बन चुकी है, अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। सबसे पहले हम अंडा फेंट लेंगे, उसके अंदर थोड़ी सी ब्लैक पेपर डाल देंगे, काली मिरी डाल देंगे, थोड़ा सा अच्छा सा टेस्ट आए। अब हम सबसे पहले एक कटलेट लेंगे, पहले इसको हम एग में डिप करेंगे। मैंने ऑलरेडी फ्राई पैन में ऑयल डाल के गरम करने रख दिया है। पहले हम अंडे में डिप करेंगे, उसके बाद हम थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स में डिप करेंगे। जैसे आपको लगे कि ये फ्राई पैन गरम हो चुकी है, ऑयल गरम हो चुका है, हम इसको फ्राई करने डाल दें। इसी तरह हम पहले एग में डिप करेंगे, उसके बाद हम ब्रेड क्रम्स में इसको डालेंगे।
देखिए कितने अच्छे से ब्रेड क्रम्स अगर हम लगाते हैं तो कितना अच्छा से हमारी फ्राई होती है। अगर आप ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं चाहते तो आप ब्रेड क्रम्स नहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन ब्रेड क्रम्स लगाने से थोड़ी सी क्रिस्पी बनती है। तरह बस हमारी सारी फ्राई होने आई है। इतने में काफी यम्मी लग रही है। लास्ट हम इसे इसी तरह ब्रेड क्रम्स में डिप करेंगे और इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। तो अब हमारी तैयार है पोटैटो कटलेट्स। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। बस इसी तरह देखते रहिए लिलीज किचन।